समस्तीपुर दलसिंह सराय रेल खंड पर 5 जुलाई को बाघ एक्सप्रेस ट्रेन से प्रेमी ने प्रेमिका को फेंका। रेलवे लाइन के किनारे तरपती 10वीं कक्षा की छात्रा से जब गांव की महिला ने पूछा तो वह अपना दुखड़ा सुनाई। महिला ने दलसिंह सराय पुलिस को सूचित की। पुलिस घायल छात्रा को दलसिंह सराय अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कर बयान लिया। घायल छात्रा से जानते हैं उसके साथ हुआ क्या। कहाँ से आपको मुंह दाग दर्द किया? हम कोचिंग जा रहे थे। कहाँ? मेहंदीनगर बनगढ़। किसी से जा रहे थे कोचिंग? पैदल जा रहे थे। तो आपको फिर कहाँ फेंका? फेंका नहीं, वो अपने साथ मुंह दाग के पहुँच ले गया। अब उसके बाद ट्रेन से धकेल दिया। शनिवार था। शनिवार को ले गया? कहाँ ले गया था? ले जा रहा था, बोले चलो हम तुमसे कोर्ट में शादी करेंगे। हम बोले नहीं करेंगे। तो एक सर थे ना, वो मेरे को बचा लिए। कौन सर थे वो जो बचा लिए? उसका मुन्ना नाम है, नंबर है मेरे पास। ओ, वो बचा लिए? कहाँ बचा लिए वो? वो स्टेशन में से बोला कि चलो तुमको हम घर पहुँचा देते हैं, बरुराज में। तो फिर लड़का लोग के चंगुल में कैसे फिर दोबारा आ गई? ट्रेन रफ्तार हो गई तो दूसरा बोगी में चढ़ गया। हम दूसरे बोगी में सर हाँ। तो जब हम गेट पर थे, वो भी गेट पर था, हम बोले कि इस बोगी में आ जाइए। तो बोला ठीक है, स्टेशन पर रुको, हम तुमको घर छोड़ दूंगा। तो मेरे को मुंह पीछे से मुंह दाब दिया। तो बोला कि हम तुझसे शादी करना चाहते हैं, तो अपने आप को बनती है क्या? हम बोले कि नहीं, हम नहीं कर सकते शादी, मेरे गार्जियन से बात करो। तो जब धक्का दिया तो बहुत चिल्लाया। 3 दिन कहाँ थी आप? हम स्टेशन में थे। 3 दिन स्टेशन में थी? नहीं, सर के रूम पे थी। 1 दिन स्टेशन में। सर के रूम पे थी तो वो लड़का लोग भी था? कौन वो लड़का लोग? मक्की? नहीं, उसी के आस पास था। हम नहीं जाने को आस पास था, नहीं था। घायल छात्रा मुजफ्फरपुर के बरुराज थाना क्षेत्र के मेहंदी नगर बनकट्टा गांव की निवासी है। गांव के ही 3 युवक जो उसके साथ 10वीं कक्षा में पढ़ाई करता था, मोहम्मद मक्की छात्रा से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। उसी ने उसे डराकर 2 जुलाई को गांव से लेकर भाग गया। लड़की के द्वारा विरोध करने पर घर वापस ले जाने के बहाने ट्रेन से बाहर फेंक दिया। पुलिस फरार 3 आरोपी को तलाश में जुटी है। 2 जुलाई को बरुराज थाना अंतर्गत एक गांव है मेहंदी नगर बनकट्टा, वहीं की लड़की है। वो घर से बाताबती हो गया था, उसके बाद वो रूट करके एक गाछी में चली गई, अपने गांव के ही गाछी में। तो 3 लड़का जो है, जिसमें एक मोहम्मद मक्की नाम का लड़का है जो उसी के साथ पढ़ता था, वो तीनों जो है मुंह पर जो है रुमाल रख करके उसको बेहोश करके और तीनों जो है उसको लेके कहीं चला गया। और दूसरे दिन लड़की को जब होश आया तो अपने आप को एक बंद कमरे में पाई। उसके बाद वो चिल्लाने लगी और मकान मालिक बोला कि भाई इसको तुम ले जाओ, घर पहुंचा दो। तो वो डर से फिर तीसरे दिन जो है, यानी 5 जुलाई के भोर में जो है, वो तीनों लड़का लड़की को लेकर के किसी स्टेशन पर जा करके और बाघ एक्सप्रेस में चढ़ाया और खुद भी चढ़ गया। और जब लड़की गाड़ी जब दलसिंह सराय से खुली है, उस दलसिंह सराय और नाजिरगंज के बीच में लड़की गेट पर जब गई, उसी बीच में मोहम्मद मक्की नाम का लड़का जो है जोर से धक्का दे दिया, जिससे कि वो गिर गई। गिरने के बाद जो है वहाँ के ग्रामीण एक जमुना देवी है, वो उठा करके अपने घर ले गई। उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस के द्वारा जो है अनुमंडलीय अस्पताल समस्तीपुर में उसको भर्ती कराया गया, जहाँ पे उसका हम लोग बयान दर्ज किया है। क्या मामला प्रतीत आ रहा है? लड़का सुनने में आया कि पहले भी जो है इसको पीछा करता था। प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है? प्रेम प्रसंग का मामला हो।
लड़के किसी गिरफ्तारी भी हुई क्या? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। यह कांड जो है घटना बरुराज थाना के अंतर्गत घटना स्थल है, इसलिए इसको जो है हम फर्द बयान को जो है बरुराज थाना भेज दिया। कहाँ पड़ता है बरुराज? मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है। पूरा मतलब मामला आपको क्या लग रहा है, वन साइडेड लव स्टोरी या लड़की ने जो बताया उसको तो पता चला होगा? नहीं, लड़की बताई कि पहले से भी हमको लड़का जो है पीछा करता था और बार बार जो है दबाव देता था कि हमसे शादी करो। लड़की किस क्लास में पढ़ती है? लड़की अभी दसवीं क्लास की है और लड़का जो है इस बार दसवां क्लास का एग्जाम दे चुका है। ऐसा तो नहीं है जो वन साइडेड लव स्टोरी, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लड़की के अनुसार तो कोर्ट ले जा रहा था लड़का शादी करने के लिए, बताया गया था, लड़की ने बताई? नहीं, हमको नहीं जानकारी, ये सब नहीं बताई हमको।